हमारे देश में आए दिन कहीं ना कहीं इलेक्शन होता ही रहता है। कभी लोकसभा का इलेक्शन, तो कभी राज्यसभा का इलेक्शन, तो कभी पंचायतों का इलेक्शन। अब इतने सारे इलेक्शन होते हैं तो उसमें आपको कभी ना कभी कन्फ्यूजन तो होता ही होगा। तो मुझे लगता है कि हर भारतीय व्यक्ति को अपने देश के इलेक्शन प्रोसेस के बारे में पता होना ही चाहिए। तो मैंने इन सब इलेक्शन प्रोसेस को इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन इंडियन इलेक्शन प्रोसेस पे कभी नहीं देखा होगा। अगर पूरा वीडियो देखने के बाद आपको मेरा ये प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। तो भारत एक पार्लियामेंट्री सिस्टम वाला देश है, जिसका मतलब है कि पावर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। साथ ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जिसे प्रेसिडेंट हेड करते हैं और एग्जीक्यूटिव पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के चीफ एडवाइजर की तरह काम करते हैं, और भारत दुनिया के चुनिंदा उन देशों में से है जहां पर संवैधानिक तौर पर तीन लेवल पर इलेक्शन होते हैं, सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज। आमतौर पर अधिकतर देशों में संवैधानिक तौर पर दो लेवल पर ही इलेक्शन होते हैं, और भारत में भी 1993 तक दो लेवल पर ही इलेक्शन होते थे, पर 1993 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, और इसके हिसाब से संविधान में पार्ट 9 पंचायतों के लिए और पार्ट 10 नगर पालिकाओं के लिए ऐड किया गया, और इसके बाद से भारत में तीन लेवल के इलेक्शन होते हैं। तो अब अगर भारत की बात करें तो सेंटर लेवल के इलेक्शन में टोटल चार इलेक्शन होते हैं, यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, और सेंटर लेजिस्लेचर में जो दो सदन हैं उनका इलेक्शन, यानी लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्शन। वहीं पर अगर स्टेट लेवल की बात करें तो विधानसभा का इलेक्शन तो हर राज्य में होता है, और इसके साथ ही छह राज्यों में, यानी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका और महाराष्ट्र में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी इलेक्शन होता है। अब जैसे सेंटर में राज्यसभा है, वैसे ही इन छह राज्यों में विधान परिषद है, और जैसे सेंटर को हेड प्रेसिडेंट करते हैं, वैसे ही राज्य को गवर्नर हेड करते हैं। पर स्टेट लेवल पर जो गवर्नर हैं उनका इलेक्शन नहीं होता है, बल्कि उसे सेंटर द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि स्टेट लेवल पर दो इलेक्शन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद का। अब अगर तीसरे यानी लोकल लेवल के इलेक्शन की बात करें तो इसके लिए मेन स्ट्रक्चर तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, पर कुछ मामलों में स्टेट्स को अपने कानून बनाने की छूट भी दी गई है। लोकल लेवल पे रूरल एरिया में पंचायत का इलेक्शन होता है, वहीं पर अर्बन एरिया में म्यूनसिपैलिटीज का इलेक्शन होता है, और ये सब इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब इन तीनों लेवल के इलेक्शन में से सेंटर और स्टेट के इलेक्शन की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होती है, यानी चुनाव आयोग के पास होती है, और इसके साथ ही हर स्टेट में उनका खुद का अपना स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, जिसके जिम्मेदारी थर्ड लेवल के इलेक्शन यानी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन को कराने की होती है। और अब अगर इलेक्शन के प्रोसेस की बात करें तो सेंटर लेवल पर होने वाले इलेक्शंस में से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आम पब्लिक वोट नहीं डालती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिना इलेक्शन के ही चुने जाते हैं, बल्कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा वोटिंग की जाती है, और ये सारे मेंबर्स डायरेक्टली पब्लिक द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं। अगर टेन्योर की बात करें तो प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 सालों का होता है। वहीं पर अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करें तो इस इलेक्शन में संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा वोटिंग की जाती है, जिसका मतलब है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा वोटिंग नहीं की जाती है, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यही एक मेन डिफरेंस है। और अब अगर टेन्योर की बात करें, वाइस प्रेसिडेंट का भी टेन्योर 5 सालों का ही होता है। अब अगर राज्यसभा या फिर अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन की बात करें तो ये भी एक इनडायरेक्ट इलेक्शन ही होता है, यानी इसके लिए भी आम पब्लिक वोट नहीं डालती है। अब हर स्टेट से राज्यसभा के कितने मेंबर हो सकते हैं ये उस स्टेट की पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट में डिवाइडेड है, और इसके लिए पॉपुलेशन का बेसिस लेटेस्ट सेंसस को लिया जाता है। तो अब हर स्टेट के मेंबर्स के इलेक्शन के लिए उस स्टेट के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा वोटिंग की जाती है, इसीलिए राज्यसभा को
काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। तो अब अगर इसको एक एग्जांपल से समझते हैं और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में टोटल 31 मेंबर्स की सीट है राज्यसभा के लिए। तो इनके वोटिंग के लिए जो उत्तर प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स पब्लिक के वोटिंग द्वारा जीत के आए हैं उनके वोटिंग से राज्यसभा के मेंबर्स चुने जाएंगे। तो ऐसे ही हर स्टेट अपने मेंबर्स का इलेक्शन करवाता है। और अगर टेन्योर की बात करें तो राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर 6 सालों का होता है। वहीं पर सेंटर लेवल पे चौथा इलेक्शन यानी लोकसभा या फिर लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के इलेक्शन में आम पब्लिक वोट डालती है, यानी ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसीलिए इसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। यानी सेंटर लेवल पर होने वाले 4 में से सिर्फ एक इलेक्शन यानी लोकसभा का इलेक्शन पब्लिक वोटिंग द्वारा किया जाता है। और अगर टेन्योर की बात करें तो लोकसभा के मेंबर्स का भी टेन्योर 5 सालों का ही होता है। और हर स्टेट को उसके पॉपुलेशन के हिसाब से लोकसभा के लिए सीट्स इस तरह से अलॉट की जाती हैं कि नंबर ऑफ सीट्स और पॉपुलेशन का रेशियो जितना हो सके उतना यूनिफॉर्म रहे। और इसके लिए पॉपुलेशन का बेसिस 1971 के सेंसस को लिया जाता है। और इन सीट्स को फर्दर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सीट्स और पॉपुलेशन के रेशियो पर डिवाइड किया जाता है। इस डिवीजन के लिए पॉपुलेशन का बेसिस 2011 के सेंसस को लिया जाता है। और इसी लोकसभा इलेक्शन से प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है। अब जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा का मेंबर हो सकते हैं और साथ ही मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन होने पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं। तो अब अगर स्टेट लेवल के इलेक्शन की बात करें तो विधान परिषद का इलेक्शन तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, वहीं पर विधानसभा का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, यानी विधानसभा के मेंबर्स या फिर MLA आम पब्लिक के वोट से इलेक्ट किए जाते हैं। और विधान परिषद का इलेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो इसकी डिटेल में बात हम लोग किसी और वीडियो में करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से किसी भी स्टेट में मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500 MLAs हो सकते हैं, पर पार्लियामेंट एक्ट बनाकर इस नंबर में एक्सेप्शन ग्रांट कर सकती है। और ये एक्सेप्शन गोवा, सिक्किम, मिजोरम और यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी को दिया गया है और यहाँ पर 60 से कम MLAs हैं। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर को कंट्री के हेड यानी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, वैसे ही चीफ मिनिस्टर को स्टेट के हेड यानी गवर्नर अपॉइंट करते हैं। यूजुअली गवर्नर सरकार बनाने के लिए उस पार्टी या कोलिशन को इनवाइट करती है जिसके पास मेजॉरिटी होती है, और उनमें से जो मेंबर मेजॉरिटी से चुना जाता है उसे एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है। और अगर टेन्योर की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी टेन्योर 5 सालों का ही होता है। तो अब अगर लोकल लेवल के इलेक्शन की बात करें तो अर्बन एरिया में कॉन्स्टिट्यूशन के 74th अमेंडमेंट के तहत म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन होते हैं और रूरल एरिया में कॉन्स्टिट्यूशन के 73rd अमेंडमेंट के तहत पंचायत के इलेक्शन होते हैं। इन दोनों ही इलेक्शन में आम पब्लिक वोट करती है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर स्टेट को 3 टाइप्स की म्यूनसिपैलिटीज बनानी होती हैं। पहला नगर पंचायत, ये उस एरिया के लिए होगा जो रूरल से अर्बन में ट्रांजिशन कर रहे होंगे। दूसरा म्यूनिसिपल काउंसिल, ये स्मॉल अर्बन एरियाज के लिए होता है। और तीसरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये लार्ज अर्बन एरियाज के लिए होता है। इन तीनों कैटेगरीज को डिफाइन करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है और वो अपने क्राइटेरिया अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो अब अगर रूरल एरिया की बात करें तो पंचायत 3 लेवल पर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी जिला पंचायत, ब्लॉक लेवल पर यानी पंचायत समिति या फिर ब्लॉक पंचायत, और विलेज लेवल पर यानी ग्राम पंचायत। अब अगर इस पूरे बात को हम लोग समराइज करें तो सबसे टॉप पर है हमारा सेंटर लेवल का इलेक्शन यानी यूनियन गवर्नमेंट का इलेक्शन, जिसमें 4 इलेक्शन हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। वहीं पर अगर हम सेकंड लेवल की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर विधानसभा तो हर जगह है और 6 राज्यों में विधान परिषद भी है। और हमने ये भी बात किया था कि स्टेट में गवर्नर का कोई इलेक्शन नहीं होता है, वो सेंटर द्वारा अपॉइंट किया जाता है। साथ ही अगर थर्ड लेवल की बात करें तो रूरल एरिया में 3 लेवल पे इलेक्शन होते हैं, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। और वहीं पर अर्बन एरिया में म्यूनसिपैलिटीज का इलेक्शन होता है, वो भी 3 टाइप की हो सकती हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटी या म्यूनसिपल काउंसिल और टाउन पंचायत या नगर पंचायत। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आप लोग
लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, इन सब इलेक्शंस के बीच में डिटेल में डिफरेंस जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, मैं उसके ऊपर भी एक और वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा।